लॉर्ड, हमारे सिस्टर की ये साक्षी है, जैसे हमारे पास्टर हमेशा बोलते हैं कि प्रभु ने हमें आशीर्वादित किया है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। वैसे ही हमारी बहन कहती है कि उनकी जो बुआ है वो, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और उन्होंने कुछ खाया नहीं था, और जैसे ही वो वॉशरूम गई थी वहाँ पर वो गिर गई थी, और जैसे ही गिर गई थी पता नहीं कितने घंटे वो बेहोश थी क्योंकि उनके घर पर कोई भी नहीं था। और जैसे ही कोई घर पे आया और दरवाजे को तोड़ा और देखा तो वो बेहोश पड़ी थी, और बेहोश होने के कारण उसको बहुत सारी तकलीफ हुई और उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया। और जैसे ही इनको कॉल किया, देखो हम विश्वासु हैं और लोगों को पता है यीशु मसीह चंगाई दाता है, तो उन्होंने इनको कॉल किया और कहा मेहरबानी करके प्रार्थना करें कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। और जैसे ही इन्होंने फ़ोन पर कहा कि आप विश्वास रखो, अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरा सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। और कहती हैं जो शिक्षा यहाँ पर उन्होंने पाई है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और चंगाई दाता है, वही सिर्फ शब्द बोले, ज़्यादा कुछ नहीं किया, वही शब्दों ने उस आंटी के अंदर कार्य किया और वो जो हॉस्पिटल में एडमिट थे उनको छुट्टी मिली है, वो डिस्चार्ज होकर घर पे अच्छी सेहत में आए हैं। इसके लिए हम सारा गौरव परमेश्वर को देते हैं।